फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग पहुंचाने वाले कोकेन किंग हेमंत शाह के इंदौर स्थित आवास पर एनसीबी की टीम पहुंची, जिसने करीब दो घंटे तक हेमंत शाह के घर सबूत के लिए सर्चिंग की और हेमंत शाह की मां और बहन से पूछताछ की गई। सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग डिलीवरी करने वाले हेमंत शाह को एनसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर जांच पड़ताल के लिए इंदौर लेकर पहुंची। आरोपी के बारे में ये जानकारी लगी कि वह मूलतः इंदौर का रहने वाला है और इंदौर में उसका फ्लैट भी है तथा पिछले दो दिनों से एनसीबी की टीम लगातार जांच में जुटी है। इस दौरान कई अहम दस्तावेज फ्लैट से एनसीबी की टीम ने जब्त किए हैं। वहीं एनसीबी ने एबी रोड मालवीय नगर चौराहे के नजदीक कालिंदी स्क्वायर सोसाइटी के ए ब्लॉक की चौथी मंजिल स्थित कोकीन किंग हेमंत शाह के फ्लैट पर पहुंची, जहां हेमंत की मां और बहन टीम को मिली। वहीं एनसीबी की टीम ने एमआईजी थाने के दो बीट सिपाही और एक महिला आरक्षक के साथ एनसीबी की टीम लगभग दोपहर 12:30 बजे वहां पहुंची, जो दो घंटे तक सबूत खंगालती रही। जब एनसीबी की टीम हेमंत शाह के फ्लैट पर पहुंची तो डोरबेल बजाने पर उनकी मां ने दरवाजा खोला और गेट पर ही एनसीबी के अधिकारियों ने अपना परिचय देते हुए हेमंत की गिरफ्तारी और उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए सर्चिंग की बात कही, जिसके बाद उन्हें अंदर बुलाया गया। टीम ने हेमंत की मां और बहन से भी पूछताछ कर साक्ष्य जुटाए। वहीं हेमंत शाह को एनसीबी ने गोवा से गिरफ्तार किया था, जिसका इंदौर में भी कई ड्रग तस्करों से संबंध है, जहां पर फिलहाल एनसीबी जरूरी दस्तावेज जब्त कर आने वाले दिनों में और भी कई लोगों पर कार्रवाई कर सकती है। उसमें कुछ मामलों में उसके ड्रग्स के मामलों में और मुख्तौर पर एनडीपीएस के मामलों में उसकी संलिप्तता रही है। पुलिस यहाँ के मामलों में भी कुछ लेकर के उससे पूछताछ करेगी, जानकारियाँ निकालेगी, क्योंकि यहाँ के जो नेटवर्क हैं पुलिस ने कई राज्यों में कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य सम्मिलित हैं। अगर उसकी कुछ संलिप्तता होगी तो पुलिस उसे फिर अलग से लेकर मुख्तौर पर हमारी स्थानीय टीम ने उसके बारे में संपर्क किया है। यहाँ से जुड़े कुछ स्थानीय सूत्र अगर पुख्ता तौर पर उपलब्ध होते हैं तो पुलिस उसमें आगे बढ़ेगी। सर, ड्रग का कनेक्शन बॉलीवुड तक जा रहा है, बार बार एक ही चर्चाओं में। हमारा पूरा फोकस किसी भी दूसरे राज्य पर या वहाँ की स्थानीय समस्याओं पर या किसी बॉलीवुड पर निश्चित तौर पे नहीं है। हमारा पूरा जो फोकस है, हमने इसके पूरे तौर पे जो पूरा तंत्र था उसको नष्ट किया है, उसको ध्वस्त किया है, और हमारा पूरा फोकस स्थानीय समस्याओं पर है, यहाँ के युवाओं को इससे मुक्त कराने पर है। और हम लोगों ने उसके लिए लगातार प्रयास भी किए हैं। यहाँ पर लगभग 30 के आसपास इसमें ड्रग के माफिया पकड़े जा चुके हैं और वहाँ की स्थानीय पुलिस को सूचनाओं से जरूर अवगत कराया गया है, ताकि उसको गंभीरता से लेकर के उसे उबरने में प्रयास। प्रोडक्शन वारंट पर हेमंत शाह को लाया जाएगा, अगर उसमें संलिप्तता मिलेगी तो पुलिस उसमें लाएगी। वहीं डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि ड्रग्स के मामले में अब तक 30 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। आईजी ने बताया कि कोकीन माफिया हेमंत शाह की संलिप्त रही है, जहां पर वह पकड़े गए हेमंत शाह से इंदौर पुलिस भी पूछताछ कर सकती है। वहीं डीआईजी ने बताया कि इंदौर पुलिस का फोकस बॉलीवुड पर नहीं है, इंदौर पुलिस का फोकस सिर्फ ड्रग्स माफियाओं पर है, जिसे इंदौर पुलिस ने ध्वस्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।